प्लेसमेंट एल्गोरिदम से आज हम बात करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की। तो ये सबसे बेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है थ्योरी में, पर ये अनइम्प्लीमेंटेबल है। टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि होता क्या है। तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, जब हमें किसी पेज को रिप्लेस करना होता है ना, तो हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो फ्यूचर में सबसे बाद में यूज़ हुआ है। मीन्स हम देखेंगे कि अगर हमें किसी पेज को रिप्लेस करना है और जो हमारे पास फ्रेम्स में और पेजेस ऑलरेडी हैं, उनमें से हम देखते हैं कि कौन से वाला पेज है जो आगे फ्यूचर में काफ़ी दूर यूज़ हो रहा है, उसको रिप्लेस कर देते हैं। अभी के लिए एग्जांपल पे आते हैं और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कैसे काम होगा। तो सबसे पहले हमें 7 को फ्रेम 1 में लाना है, तो फ्रेम 1 खाली है, 7 पेज फॉल्ट। फिर हमें 0 को फ्रेम 2 में लाना है, फ्रेम 2 खाली है, पेज फॉल्ट। फिर 1 को लाना है, सो 7 0 1, और यहाँ भी एक पेज फॉल्ट है। अब हमें 2 के टाइम पर किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे फ्रेम्स फिल्ड आउट है। पर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो पेजेस फ्रेम्स में ऑलरेडी हैं, हम उनको देखते हैं कि फ्यूचर में उनमें से कौन सा सबसे दूर यूज़ हुआ है और हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो 0 0 काफ़ी जल्द नेक्स्ट ही है, तो मैं 0 को रिप्लेस नहीं करना। अब हम देखेंगे कि 7 और 1 में से कौन सबसे लास्ट में यूज़ हुआ है और उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम रेफरेंस स्ट्रिंग देखें, 7 को कहीं भी यूज़ किया ही नहीं हुआ हमने, तो 7 रिप्लेस होगा और 1 एज इट इज़ बच जाएगा, और ये भी पेज फॉल्ट। अब नेक्स्ट, तो हमारा यहाँ पर पेज हिट है, यहाँ पर तो कुछ होना ही नहीं है, और यही एडवांटेज है ऑप्टिमल एल्गोरिदम के। हमने 0 को रख लिया क्योंकि वो फ्यूचर में अभी अभी यूज़ होने वाला है। इससे क्या हुआ, हमारी एक हिट बढ़ गया और एक पेज फॉल्ट बच गया। सो अब 3 को हमें इनपुट कराना है। अब हम देखेंगे कि 0 1 और 2 में से कौन सबसे लेट यूज़ हुआ है और उसे हटा देंगे। सो देखते हैं, 0 0 नेक्स्ट यूज़ हो रहा है, तो 0 को तो हटाना है ही नहीं, और 0 के बाद 2, तो 2 को भी नहीं हटाना, तो बचा क्या, 1 1 सबसे लेट यूज़ हो रहा है, तो हम 1 को रिप्लेस करेंगे। सो 2 0 और 3 पेज फॉल्ट। अब देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ पर 2 0 3 और पेज हिट, तो पेज वंस अगेन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की वजह से हमारा 0 बच गया, और 0 बच गया था तो यहाँ पर हिट हुआ और हमारा एक पेज फॉल्ट कम हुआ। और इसीलिए पेज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बेस्ट रहता है इन टर्म्स ऑफ हिट रेशियो। अभी मैं बताऊंगा कि ये अनइम्प्लीमेंटेबल क्यों है। तो पहले अब 4 को हमें इनपुट कराना है और हमें किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। चेक करते हैं, 2 नेक्स्ट यूज़ हो रहा है, 3 उसके बाद यूज़ हो रहा है, 0 सबसे दूर है, तो इस बार हमें 0 को निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 4 एंड 3 पेज फॉल्ट, पर इसके बाद 2 4 3 हिट, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमारे पास था, और 3 के टाइम पर फिर से 2 4 3 और एक हिट। तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम की वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं किसी भी और एल्गोरिदम के कंपैरिजन में। और अब 0 के टाइम पे रिप्लेस करना है, 3 2 1, सो 3 सबसे पहले है, 2 उसके बाद है, और 4 है ही नहीं, तो 4 को रिप्लेस कर देंगे, 2 0 3 पेज फॉल्ट, 2 0 3 हिट, 2 0 3 हिट। तो अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ कि अब हमें 1 को इनपुट कराना है, तो और इनमें से कोई भी फ्यूचर में यूज़ ही नहीं हो रहा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि हमारे जो अवेलेबल पेजेस हैं इन फ्रेम्स के अंदर, उनमें से कोई भी अगर फ्यूचर में यूज़ नहीं हो रहा, तो ये मैटर नहीं करता कि हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और हमारे हिट रेशियो ख़राब नहीं होगा। तो मैं 2 से 0 से या 3 किसी से भी 1 को रिप्लेस करा सकता था, तो 1 0 3 और पेज फॉल्ट। तो ये अनइम्प्लीमेंटेबल क्यों है, तो देखो थियोरी में तो हम क्या कर रहे थे कि जब हमें किसी पेज को रिप्लेस करना था
हम क्या करते थे कि फ्यूचर रेफरेंस स्ट्रिंग देखी और उसके अकॉर्डिंग हमने जो अभी सबसे देर में यूज होने वाला है उसे रिप्लेस कर दिया। पर असली में क्या हो रहा होगा, सीपीयू इस पे ने इस पेज को रिक्वेस्ट किया और फ्रेम में डलवा दिया, इसको रिक्वेस्ट किया और इसे फ्रेम में डलवा दिया। तो क्या होता है कि कंप्यूटर को, सीपीयू को इस टाइम नहीं पता कि 2 सेकंड बाद तुम कहाँ पे क्लिक कर दोगे और कौन सी फाइल को उसको मेमोरी में उठा के डालना पड़ जाएगा। तो और जो ऑप्टिमल एल्गोरिदम है वो टोटली बेस्ड है इस चीज़ पे कि वो फ्यूचर को देखता है कि कहाँ पे आगे जाके वो कौन सबसे दूर यूज़ हो रहा है और उसे डाल दे। पर असली में तुम कभी बता ही नहीं सकते कि फ्यूचर में कौन सी फाइल की जरूरत पड़ जाएगी। तो फ्यूचर के बेस पर किसी पेज को रिप्लेस करने का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। तो इसलिए ये अनइम्प्लीमेंटेबल है, ये सिर्फ थियोरी है। और इसकी एडवांटेज क्या होती है कि जब भी हम कोई इम्प्लीमेंटेबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बनाते हैं ना, तो उसकी एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि इसको हम बेस्ट रखते हैं कि ये बेस्ट चीज़ है। तो इसके कंपैरिजन में हमने जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बनाया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो कितना अच्छा है।